क्या हुआ, बैठो एक बार, कॉफी सेट, गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय, अच्छा अच्छा चलो। उसको पता है गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू पैशनेट कल्पना, हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। भोलेनाथ की कृपा से मैं अपने घर में बहुत मज़े में हूँ, आप भी अपने घर में मज़े में रहिएगा। आई होप सो आप अपने घर में बहुत मज़े में होंगे, अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। और ये डुगू भी बहुत मज़े में है, आप देख सकते हो ये मॉर्निंग का टाइम है और डुगू भी सो के उठ गए हैं, लेकिन अभी अपने बेड से बाहर निकलने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं है। और जो वो ब्लैंकेट ओढ़ते हैं उसको उन्होंने नीचे दबा रखा है और आराम फरमा रहे हैं बिल्कुल। और इनको उठना नहीं है, निकलना नहीं है बेड से बाहर, इनको खाना पीना तो अभी खाना नहीं है। तो मैं ऐसी बैठे बैठी थी तो मैंने कहा कि चलो मैं अपना ब्लैंकेट वगैरह सब फोल्ड करी थी, तो मैंने कहा इनको भी मैं देखूं, सूट कर लूं थोड़ा सा और आप लोग को दिखाऊं कि डुगू की सुबह सुबह की मस्ती क्या होती है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं, और आज मैं कुछ खास बनाने वाली हूँ और देखते हैं क्या बनाते हैं। फिर बनाते समय आपसे मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, तब तक मैं अपना सारा मॉर्निंग का रूटीन निपटा लूँ। चलिए फिर बाद में मिलते हैं। ये देखो मैंने इतना सारा मोमोज बनाया है, आप देख रहे हो ये बन रहा है अभी। और ये देखो अभी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ये देखो यह, अरे ये तो पूरा स्टीम आ गया यार, तो दिख ही नहीं रहा है गाइज। ये देखो ये पूरा एक लेयर पर एक लेयर के नीचे, ये देखो ये है मोमोज जो मैंने अभी अभी बनाया है और ये पक रहा है, बस थोड़ा सा और पकना बाकी है इसको, थोड़ी देर बाद ये तैयार हो जाएगा, फिर हम आपको दिखाएंगे खिलाएंगे। और ये है इसकी चटनी, मोमोज की चटनी। इसमें मैंने एक्चुअली टमाटर जो था वो मैं क्या कहते हैं कि ब्लांच करके बनाती हूँ, टमाटर लहसुन मिर्चा अदरक सब ब्लांच रहता है मेरा, और थोड़ा सा उसमें मैंने कोरिएंडर लीफ भी ऐड किया, इसलिए थोड़ा सा ग्रीनिश ग्रीनिश कलर उसका आया है, पूरा रेड रेड नहीं आया। और मैंने ग्रीन चिली ऐड नहीं किया, जैसे कि मोमोज की चटनी दुकान पे देते हैं ढेर सारी ग्रीन चिली ऐड करते हैं, उनका तो बस ग्रीन चिली ही होता है उसमें, तो वो थोड़ा भी टोमेटो ऐड नहीं करते, तो वो बहुत ही तीखा होता है जो बच्चे नहीं खा सकते हैं। तो मैंने टोमेटो, थोड़ी सी कोरिएंडर लीफ और चिली, गार्लिक और जिंजर सबका पेस्ट बना के उसमें डाल के बनाया मैंने, बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। चलिए फिर जब इसको हम प्लेटिंग करेंगे फिर आपको दिखाएंगे, बस अभी थोड़ी देर में तैयार होके निकलने वाला है, बस थोड़ा सा वेट करिए। और इधर देखिए मैडम मोहतरमा खाने के इंतज़ार में बैठी हैं, पेट पिचका के आज मैडम मोहतरमा। तो बस चलिए फिर, हेलो गाइस, तो बहुत देर के बाद आज आपसे हम मिल रहे हैं। और आपको मैंने जैसा कि दिखाया भी कि हमने मोमोज बनाया है और अब उसको थोड़ी देर में प्लेटिंग करेंगे और खाएंगे, और शाम के बज रहे हैं 4:30, तो 4:30 बजे ये शाम का नाश्ता है, स्नैक्स कह लीजिए आप। और बहुत ज़्यादा नहीं बना, उतना ही बनाया क्योंकि बहुत लंबा टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा बनाने में, तो मैंने उतना ही बना, उतने में मैं बहुत थक गई हूँ। एक्चुअली ये सब चीज़ आप बाहर जाके खा लो बहुत ईजी है, क्योंकि आपको 10 रुपीज़ में 3 या 4 मोमोज पीसेज मिल जाते हैं, और घर में बनाओ बहुत ही काम ताम झाम बढ़ जाता है। उसका पूरा मटेरियल रेडी करो, फिर उसको फ्राई करो, फिर उसका मैदा गूंथो, फिर उसको बनाओ, माई गॉड बहुत बहुत ही झंझट वाला काम है। इससे अच्छा कि कोई भी स्नैक्स हो, कोई भी ब्रेकफास्ट हो, ईजिली आपको मार्केट में हर जगह अवेलेबल है, आप जाके खा सकते हो। घर में बनाने की मत कोशिश करें, घर में बस लंच बना ले, डिनर बना ले, बहुत बड़ा काम है, मैं सबके लिए कह रही हूँ। ये सारी चीज़ बनाते बनाते उसकी जो खुशबू बदबू जो भी आती होगी उसी से आपका मन इतना भर जाता है कि फिर आपको खाने का मन नहीं करेगा है। आप जैसे मेरी हालत है कि मुझे खाने का एक आध पीस में टेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन मुझे मन नहीं कर रहा है बहुत, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। तो ये सारी चीज़ें बनाना भी बहुत ही मुश्किल है और खाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि थकान हो जाती है। इससे अच्छा आप मार्केट से खा लो, आराम से खा लो, एक प्लेट खाने में, दो प्लेट खाने में मार्केट में क्या आता है, 10-20 रुपए में आपको मिलता है, खा सकते हो, सबसे सस्ता है मोमोज। चलिए गाइस वेटिंग करते फिर आपसे मिलते हैं। ये मैडम जी बताइए, आप भी अपना एक्सपीरियंस, आपने सुबह से पेट साफ करके बैठी है मोमोज खाने के लिए, कि मोमोज तो बहुत कम बनाए उधर ही चल जाएगा आपके लिए? 2 मोमोज काफी है मेरे लिए। ओनली 2 मोमोज, इतनी छोटे छोटे, ऊंट के मुंह में जीरा, समय बताएगा, 2 कहोगे कि 2 20 कहोगे, वो तो समय बताएगा ना कितना खाएंगे। ओह माय गॉड, तो तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो तुम? क्योंकि 500 रुपए मिलने वाले हैं गाइस, अगर जो ज्यादा मोमोज खाएगा 10 मोमोज 3 मिनट में वो चैलेंज खाएगा। नहीं नहीं, वो चैलेंज ना, चैलेंज इस बार कैंसिल है, इसलिए कैंसिल है कि इस बार उतने मोमो
इमोजी तैयार नहीं हो पाया जिससे कि चैलेंज कर सके। पता चला चैलेंज के चक्कर में दो ही लोग पूरे ही खा जाएंगे, बाकी लोग बैठ के बस देखेंगे। वो फिर कभी होगा नेक्स्ट टाइम, या तो बहुत ज्यादा बनाएंगे या तो मार्केट से लेके आएंगे, तब चैलेंज होगा। अभी फिलहाल बस सबको टेस्ट मारना हो तो नहीं बना होगा आई थिंक। चलिए फिर ठीक है, टेस्ट करते हैं और प्लेटिंग करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं और आपको भी खिलाते हैं। आप भी आइएगा हमारे साथ, मोमोज इंजॉय करिएगा गर्मा गर्म विद चटनी। चलिए फिर वेट करिए। तो गाइज यहाँ पे हम प्लेटिंग कर रहे हैं मोमोज की और बहुत ही गर्म है, लेकिन उसको हाथ से ही निकाल रहे हैं क्योंकि ठंडी में चल जाता है, बहुत हाथ जलता नहीं है। तो बस यही है कि बहुत टेस्टी, दिख तो बहुत अच्छा रहा है और खा के देखते हैं कैसा है, बस टेस्टी बना है। क्योंकि बनाते समय समझ में आ जाता है कि आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डाली हैं तो चीज़ें अच्छी ही बनेंगी। तो चलिए, और अपनी बनाई हुई चीज़ तो अच्छी होती है, सब लोग तारीफ करते हैं, मैं भी तारीफ़ कर रही हूँ। तो चलिए आप बताइएगा खा के कि आपको कैसा लगा मेरे हाथ का मोमोज। फिलहाल हम खा के आपको बताएंगे। चलिए गाइस ठीक है, प्लेटिंग हो गई, लगा दिया हमने एक प्लेट में ढेर ढेर सारा और सबको देते हैं और खाते हैं। और आप भी आइए हमारे साथ, खा हमारी मोमोज की। आप देख सकते हो कितनी अच्छी प्लेट रेडी हुई है, तो देखते हैं ये कौन खाता है। तो इसकी एक पिक तो बनती है, मैं एक पिक ले लेती हूँ पहले। ले जा रही हूँ। तो गाइस ये है, ये हनी की प्लेट है, तो चलिए इसको हनी को दे देते हैं। हनी हनी हनी, अरे यार तुम इतना अंधेरा रखे हो कमरे में, ये लो। अरे यार गर्म ही अच्छा लगता, ठंडा थोड़ी खाओगे। लो ठंडा कोई जिंदगी मोमोज खाया आज तक? पकड़ो पकड़ो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नैंस आ जाओ, तुम भी आ जाओ, खा लो बेटा, ठंडा हो जाएगा। मैंने सुमित जल्दी से कपड़े चेंज करके आ जाओ, ये यहाँ चेपने के लिए लगे पड़े हैं लोग। और लो रुचि, तुम बाबू को ये सब दे दी, चलो और ले लेना निकाल के उस वाले में। और ये देखो ये भी लगे पड़े हैं, और ये देखो रुचि ने कहा था कि मैं दो ही खाऊंगी तो सही में दो ही लेके बैठी है। भाई क्या बात है, इतना कम, माई गॉड। ये हमारा मोमोज रेडी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो मेरे प्लेट में दिख नहीं रहा, वैसे मैंने आपको दिखाया था अभी। खा के बता इसका मसाला कैसा? अबे बैठ जाओ, बैठने का पैसा नहीं लगता हमारे यहाँ, बैठ जाओ। कैसा बना चटनी, कैसी बनी है? उनकी चटनी बेकार होती है, तुम पता नहीं मच्छर से दे देते हैं। इसी में लाल मिर्चा डाल दोगे तो उनकी चटनी हो जाएगी, और धनिया नहीं डालोगी तो। लेकिन बच्चे नहीं खाते वो सब लाल वाला। आओ खुद ही इतना चटक बना है। मसाला कैसा है इसका? बहुत टेस्टी है। गाइस यम्मी, बहुत अच्छा। सोच रहे हैं मोमोज का एक स्टॉल लगाना शुरू कर दें। एक स्टॉल लगाए, आज मोमोज बेचना स्टार्ट कर दें। है ना, क्या कहते हो रुचि? वो सब इतना बूझते नहीं अभी, इतना तो मोही हो मसाले को, तभी तो उन लोगों का अजीब लगता है। बिल्कुल खाई गई, उन्होंने खाई नहीं करते, तभी तो उन लोगों का अजीब लगता है एकदम। और ले लो जाओ, ले लो, बेइज्जती नहीं होगी, ले लो। बेइज्जती क्या हुई? मोमोज होगा शायद।
बहुत गर्म है यार। जो वीडियो देखेगा आप सबको मुंह में पानी आएगा ना। जीवन बहुत गरी आएगा कि अपने कुछ खुश होकर दिखाओगे। अगली बार ना चिकन मोमोज बनाएंगे, एक मोमोज और चिकन मोमोज, ठीक। चिकन की पूरी काफी हो और ले लो काट लो, देखो हो गया। हाँ तो पांच पांच को बचा है समझ लो। हाँ तो बस करो फिर गिन के ले ले लो, चक्की ले लो ची। आइए मोमोज खाइए। चावल दाल ले लो क्योंकि दाल और चावल भी है। टिफिन खाई थी? हाँ जानते हैं तू विदेशी पैदा भैलू भाई। बहुत ही का है पानी 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 मसाला नहीं चटनी मीठा ज्यादा हो गया। कोई चटनी ननसु ले जाओ। थैंक यू ब्रो। जियो बाद रहो खुश रहो दूधो नहाओ पोतो खलो। तो फिर फ्री करना आशीर्वाद गलत है और क्या। तो आशीर्वाद में क्या पैसा लगता है? मेरी नाक वाक सब बंद हो गई। हाँ इसके साथ अभी दाल चावल भी खा लेना। मोमोज नहीं बना होता तब चावल लग जाता। टिफिन खाई थी? टिफिन खाई थी? टिफिन बेटा जस्ट अभी बन ही रहा है। जस्ट अभी उधर बैठ जाओ, इधर बैठने को देखो। अरे बैठो खाओ 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 बैठ। अरे उधर ही बैठ। अरे बैठ जा पीछे, मत लड़ गया मत। नमस्ते। अगर देख कार फूट जाए बन जाए तो नहीं बन जाए। गर्म है ना? अभी जस्ट निकला है बेटा, तुरंत बन गया। निकाल देती मैं तुझे। चावल को दुकान वाले का भी नहीं होता है। दाल भी अभी बना है। दाल चलो भी बनाया 3 बजे खा लो। लौकी वाली दाल और चावल तुम खा लो। लाल दाल चावल तुम नहीं खाए? खा लो। क्यों खा लो? अब मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे कमर वमर बहुत दर्द रहा। जाओ तुम लोग मेरा टॉप ले आओ गिफ्ट मेरे लिए, मोमोज खाने का गिफ्ट है। मैंने रसोई बनाई है तो रसोई हरे कड़िया में हाथ लगा रहे हो। रसोई बनाई है तो रसोई अच्छी थी, इसका गिफ्ट ले आओ दुल्हन को। ले आओ ले आओ। दूल्हा का नाम बताओ। जाएंगे दूल्हा का नाम गधा। ढूंढेंगे तब ना कोई गधा। नैन्सी ढूंढेगी मेरे लिए। कही थी कि जब मेरी शादी हो जाएगी मम्मी मैं बड़ी नौकरी करूंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए एक जीवन साथी ढूंढ के जाऊंगी आपकी शादी करा के। तो मैं बेटी ढूंढेंगे ना बेटी। हाँ गधा ही ढूंढना जिसको सिक्कड़ बांध के घुमाए ना। तो कौन नाम मिली कब से कुंवारे रहा चले दा। हम तो कुंवारे ठीक है। सिक्कड़ बांध के क्रोमिक 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 बैचलर हूँ एकदम। सही बात। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।